अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक बस की टिकट चाहिए खपुरिया की, खैना के नाम से। कोई जरूरत नहीं है टिकट कराने की। अपने होने वाली बीवी को नीचे छोड़कर तू इस गहना के बारे में सोच रहा है? खबरदार, अगर उसके लिए कुछ भी किया तूने, जबरदस्ती तेरे साथ पकड़वा शादी की है उसने, धोखे से हमारे घर में आई है, आलिया पर गलत आरोप लगा रही है, यहाँ तक आज उसने उसे चोट तक पहुँचाने की कोशिश की, तभी तुझे उसी की परवाह है? बहुत परवाह की नहीं है, बहुत जिम्मेदारी की। और आपने ही कहा था ना कि गहना मेरी जिम्मेदारी है, अब वो सही सलामत अपने घर पहुँच जाए, इतनी भी मदद नहीं कर सकता मैं उसकी? नहीं, तेरा कोई रिश्ता नहीं है उस लड़की के साथ और ना ही वो तेरी जिम्मेदारी है। वो लड़की जहां जाए, जैसे जाए, जिए मरे, उससे तेरा कुछ लेना देना नहीं है। माँ, प्लीज आप शांत हो जाइए और मेरी बात सुनो। अरे आप तो गहना को पसंद करती थी, इतना प्यार करती थी उससे, आप ही की बातें सुनकर तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और हमारी पकड़वा शादी के बारे में सुनते ही आप उससे इतनी नफरत क्यों करने लगी हैं? कान खोल के सुन लो कमला, मैं तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं दूंगा, समझे? क्योंकि मुझे नफरत है पकड़वा शादी से, और इस जबरदस्ती की शादी की वजह से मैं तेरी जिंदगी और तेरी हर खुशी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। हॉस्पिटल से? हेलो आयुष्मान सर, आप प्लीज जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। ओके ठीक है, आता हूँ। धन्यवाद मुन्ना भैया, अगर आप भूला भैया के रिश्तेदार ना होते तो न जाने हमारे सच ढूंढने में मदद कैसे हो पाती। पर मुन्ना भैया, यहाँ तो सारे कागज पत्र अंग्रेजी में और हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो अब हम जो फाइल ढूंढ रहे वो हमें पता कैसे चलेगी? आलिया नाम बताया ना अपने पेशेंट का? हाँ। रुको, इधर आओ। हाँ। ये रही आलिया की फाइल, इससे पहले कि कोई आ जाए हम लोगों को निकलना होगा। यहाँ तो कोई नहीं है। ये फाइल तो मिल गई भैया, लेकिन आप हमें इसमें क्या लिखा है पढ़कर तो बताइए। ये रिपोर्ट के हिसाब से आलिया को कोनो परेशानी तो नहीं है ना? उसका ऑपरेशन सही से हुआ था ना? इन रिपोर्ट्स के हिसाब से पेशेंट का ऑपरेशन तो बिल्कुल सफलता से हुआ है, मरीज को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। हाँ। धन्यवाद भैया। इसका मतलब हम जो सोच रहे थे आलिया के बारे में वो सच है। हम सही सोच रहे थे, ये आलिया जी झूठ बोल रही है। अब हम ये रिपोर्ट की मदद से आलिया का सच सबके सामने लेकर के आएंगे, और सबसे पहले हम ये बात डॉक्टर बाबू को बताते हैं फोन करके। डॉक्टर बाबू, हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। आलिया जी बिल्कुल ठीक है, हमें उनके ऑपरेशन के कागज पत्र मिल गए,
अब तो हमारे पास सबूत भी है कि आलिया जी झूठ बोल रही है। हेलो हेलो डॉक्टर बाबू, सुन रहे हैं ना आप? सर डॉक्टर कश्यप आपको बुला रहे हैं। ओके ठीक है। क्या ना, मैं अभी तुम्हारी बात सुन नहीं पाया हूँ, मैं एक अर्जेंट काम से आया हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ तुमसे। हेलो डॉक्टर बाबू, हमारी बात तो सुन। कोई बात नहीं, डॉक्टर बाबू बात नहीं कर पाए तो अब हम ये सच उनके घर पे जाकर सबको बता देते। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों ने इतना अर्जेंटली बुलाया मुझे, कोई इमरजेंसी है क्या? डॉक्टर आयुष्मान, यह आपका सस्पेंशन लेटर है। आपका एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने का मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। क्या सर, आप ऐसे कैसे मेरा मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि आलिया के ऑपरेशन में मुझसे मिस्टेक हुई है, बट मैंने ऑलरेडी दोबारा उसका केस स्टडी करना शुरू कर दिया है एंड आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी दोबारा चलने लगेगी। सॉरी डॉक्टर आयुष्मान, मेडिकल काउंसिल ने यह तय किया है कि आपके मेडिकल नेग्लिजेंस की तहकीकात होगी और तब तक आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। डॉक्टर कश्यप, मैं जानता हूं कि आलिया के ऑपरेशन में जो गलती हुई है उसकी वजह से मुझ पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, पर तब तक तो मुझे प्रैक्टिस करने दीजिए। डॉक्टर प्लीज, आखिरकार जैसा प्लान किया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो गया है। गुड जॉब मम्मा, आपकी शिकायत की वजह से आयुष्मान सस्पेंड हुआ है। अब वो अंदर ही अंदर इतना ज्यादा पछताएगा कि मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। अब बस एक काम करना बाकी है, उसके बाद आयुष्मान के साथ तेरी शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कौन सा काम मम्मा? तू उसकी बिल्कुल चिंता मत कर, मैं करूंगी वो काम। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। बेचारा आयुष्मान अपनी गलती का पश्चाताप करता रहेगा। कहना घर से जा चुकी है तो अब मुझे और आयुष्मान को साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। पंडित जी, मैंने सारा खेल रचकर आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी इसलिए कराई ताकि आलिया पे ग्रहों की बुरी दशा का जो खतरा है वो टल जाए और उसकी शादी बिना किसी विघ्न के हो जाए। तो आप तो आलिया और आयुष्मान की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी ना? बोलिए ना पंडित जी। देखिए, अड़चन तो आएगी, ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि आयुष्मान की पहली पत्नी जब तक जिंदा है तब तक आपकी बेटी आलिया की शादी आयुष्मान के साथ नहीं हो सकती। तो क्या अब मुझे कहना को देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।